यूनिवर्सिटी के कुलपति भी आल हैं, सचिव भी आल हैं, ऊपर चलते हैं जयप्रकाश नारायण के। हिंदी या अंग्रेजी का ओरिजिनल ड्राफ्ट पढ़ा है, कितने पेज का था वो ड्राफ्ट? नहीं, ये तो फाइनल ड्राफ्ट, ओरिजिनल ड्राफ्ट, ये तो फाइनल डॉक्यूमेंट जो कैबिनेट से अप्रूव हुआ है वो 68 पेज का है अंग्रेजी का और 70 पेज का है हिंदी का। ओरिजिनल ड्राफ्ट जो समिति ने दिया वो 425 पेज का। कितने लोग ये जानते हैं कि समिति ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए कितनी बैठकें की? मैं इसलिए पूछ रहा हूं प्रश्न क्योंकि ये पहली बार लोक नीति बनी थी भारत, नहीं तो क्या होता था, चाहे आप राधा कृष्णन आयोग 1948 में, चाहे कोठारी आयोग 1964 में, चाहे राजीव गांधी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, चाहे नरसिम्हा राव की राइट टू एजुकेशन 1992 में, सब में एक कमेटी बनती थी। वो कमेटी इधर उधर के डॉक्यूमेंट्स ढूंढती थी, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कुछ अपनी रिकमेंडेशन कर दी थी, वो कैबिनेट में जाता था, पास हो जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते समय हम सब लोग ब्लॉक लेवल तक गए। भारत के 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक लेवल तक बैठकें की गई और उन बैठकों के बाद जो ड्राफ्ट है वो उनके साथ साझा किया गया और उस ड्राफ्ट पर पहली बार जो सजेशन मांगे गए वो ओपन सजेशन वो लगभग 1.5 लाख के आसपास, दूसरी बार के सजेशन मिला लें तो लगभग 2.5 लाख सजेशन। इन सजेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया इनको आइडेंटिफिकेशन में कि कौन सी है। मैंने कहा था आपको मैं कल्पना लोक में ले जाता हूं। मान लीजिए कल को हम एक निर्णय लें कि भारत में सारे विश्वविद्यालय आज से बंद, सारे महाविद्यालय आज से बंद, तो इसका भारत के छात्रों पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्या समाज में हमारी उपादेयता शेष है अगर सारे शिक्षकों को घर बैठा दिया जाए? आप विश्वास मानिए एक भी व्यक्ति आंदोलन नहीं करेगा, प्रोवाइडेड उनको आप कह दें कि हम आपको गूगल से पढ़ने का अधिकार देते हैं और गूगल से पढ़े हुए को डिग्री दे देते। अगर आपको डिग्री का अधिकार हटा लिया जाए आपको कोई पूछेगा? ये आपकी सामाजिक मान्यता है, मजबूरी है उनकी बच्चों की, वो इसलिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में आते हैं क्योंकि उनको नौकरी के लिए डिग्री चाहिए। हमारी जो वास्तविक सामाजिक आकलन है वो ये है पर खड़े हैं और नालंदा यहां आज से जस्ट 1000 साल पिछले जब नालंदा जला नहीं, तब क्या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार नालंदा को पैसा देती? भारत में 129 विश्वविद्यालय थे, 7 लाख गुरुकुल थे, रिकॉर्डेड, गप नहीं मार रहा हूं, रिकॉर्डेड, अनीता सिंह है सिंगापुर में, उन्होंने रिकॉर्ड किया। भारत में 14वीं शताब्दी तक 7 लाख गुरुकुल थे जो बिना किसी सरकारी मदद के चलते। ए ब्यूटीफुल ड्रीम किताब का नाम बता रहा हूं, धर्मपाल जी उसके लेखक हैं। 7 वर्ष उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में शोध किया, 1822 के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वे को आधार बना के किताब लिखी गई है, कोई भी जाके नेट पर पढ़ सकता है। इस किताब में 1822 का जिक्र है जब ब्रिटिश इंडिया 4 भाग में बटी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और नॉर्दर्न प्रेसिडेंसी, और 5वां प्रेसिडेंसी ऑफिशियल नहीं थी, पंजाब प्रेसिडेंसी, लेकिन उसको नाम नहीं देते थे, था। इन पांचों के डाटा का आकलन द ब्यूटीफुल ड्रीम ने दिया हुआ, धर्मपाल जी ने दिया हुआ। धर्मपाल जी कोई छोटा मोटा नाम था नहीं था, गांधीवादी विचारक थे, बहुत बड़े नेता थे, गोलमेज के दोनों सम्मेलनों में वो प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे और तर्कों के आधार पर, डाटा के आधार पर उन्होंने ये बताया है कि 1822 में भारत में एक भी निरक्षर नहीं था। आप चौंकेंगे पीछे वाले लोग,
मद्रास प्रेसिडेंसी में जिनको आज हम दलित कहते हैं, 70% जो शिक्षक थे वो दलित वर्ग से, 66% महिलाएं, केवल एक प्रेसिडेंसी थी पंजाब जिसमें 98% शिक्षक और एक पैसा सरकार से लिए बिना। शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, अरबी और फारसी, ना हिंदी कहीं थी ना अंग्रेजी कहीं। भारत में एक भी वर्ग ऐसा नहीं था जिसको किसी भी गुरुकुल में जाने से रोका जाता, एक भी वर्ग। ये मैं अपना डाटा नहीं बोल रहा हूं, ये द ब्यूटीफुल ट्री का बाकायदा डॉक्यूमेंटेड अभिलेख है रिसर्च के बाद, जिसको भारत के किसी ने सर्वे नहीं किया, ब्रिटिश कलेक्टर्स ने सर्वे कराया। दूसरा डाटा मैं बोलता हूं, 2005 में एक किताब निकली है एंडर्स मैकुला, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है ब्रिटिश से, अब खत्म हो गए, 2013 में उनकी मृत्यु हो गई। उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि ईसा मसीह के पैदा होने से लेके और 2000 तक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन हुआ। जिसका हृदय जितना विशाल हो, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना परिवार बना सके, कुटुंब प्रबोधन भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा आधार था जिसको आपने तार तार कर दिया। हम पढ़ते थे अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जो भी करते थे वो दूसरों के लिए करते। जब से ये भाव विलगित हुआ है तब से भारत में समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याएं आई हैं जिन पर हम विचार नहीं करेंगे, पैदा कर ऐसे नागरिक जो विविधता का सम्मान कर सके, चाहे वो विविधता भाषा को लेकर हो, चाहे वो विविधता क्षेत्रों को लेके हो, खान पान को लेके हो, पहनावे को लेके हो, आस्था को लेके हो, सांप्रदायिक विविधता हो, किसी भी तरह की विविधता का सम्मान करना, और सिर्फ सम्मान करना नहीं, उस विविधता में अंतर्निहित एकता को समझना, ये पहला विवेक है जो हर विद्यार्थी में आना चाहिए। दूसरा विवेक है भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, भारत की जो डेमोक्रेट, भारत की बोल रहा हूं मैं, यूरोप की नहीं, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, भारत के बीच में जो सामाजिक समरसता का मूल मंत्र है उसको समझ। तीसरा, भारत की सांस्कृतिक विविधता में निहित बड़े संदेशों को व्यवहार में लाना, चाहे वो पर्यावरण से संदेश हो, चाहे वो एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व भाव का संदेश हो, चाहे परिवार और कुटुंब प्रबोधन हो, चाहे प्रकृति के साथ तादाद में बैठाकर नेचुरल रिसोर्सेस का समुचित उपयोग हो, और चाहे अपरिग्रह जैसे हमारे मानवीय मूल्य, इनको शिक्षा में पाठ्यक्रम में समाहित करते हुए बच्चों को विवेकशील बनाना, ये पहला उद्देश्य, एनलाइटेड सिटीजन पैदा हो। और इसके लिए शिक्षा के तीनों स्तरों में, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचिंग लर्निंग पेडागोजी एंड इवेल्युएशन, इनमें आमूल चूल परिवर्तन करना, ताकि बच्चे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी से पढ़ते हैं और मेमोरी के स्टेज तक रह जाते हैं, वो क्रिएटिविटी के स्टेज तक पहुंचे। इसके लिए शिक्षा में क्लासरूम को नगण्य किया गया, क्लासरूम टीचिंग नहीं होना, अभी एकदम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उद्देश्य है कि परीक्षा और क्लासरूम दोनों शिक्षा से अलग हो जाए, ना ही परीक्षा होगी ना ही क्लास में टीचर पढ़ाएगा। अब आप कहोगे फिर पढ़ाई कैसे होगी, समस्या ये है, कभी भी भारत में पढ़ाने की परंपरा रही ही नहीं, पढ़ने की परंपरा रही, चाहे स्मृति हो चाहे श्रुति हो, दोनों में ज्ञान अनुभव के आधार पर दिया, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग है। हम लोगों को कक्षात्मक ज्ञान देते थे,
तथ्यात्मक ज्ञान कभी नहीं भारत में दिया गया। तथ्यात्मक का मतलब होता था जो नॉलेज है उसको कहानी बनाते थे, एक उपनिषद लिखते थे और उस कहानी के माध्यम से उस ज्ञान को पूरी पीढ़ी तक पहुंचाते। क्योंकि तथ्यात्मक ज्ञान बताइए कितने लोगों ने, जो गणित पढ़ी है उसकी कितनी प्रमेय याद है आपको? दिस इज ऑल नॉनसेंस। मेमोराइजेशन में आप लगे हुए हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही नहीं करते। तीसरी जो बात है कि शिक्षित किसकी है? एक सामान्य उत्तर आता है रोजगार के लिए। रोजगार के लिए शिक्षा नहीं देना। व्यक्ति के कौशल का विकास होगा तो वो रोजगार के जरिए अपने आप ढूंढ लेगा। व्यक्ति में कौशल, व्यक्ति में इनोवेशन, व्यक्ति में टेक्निकल जो इनपुट्स होते हैं, 21वीं सदी की जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी, उनको हिंदी से लेके और म्यूजिक तक में ले आना, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके पर्यावरण को बचाने का काम हो, बायो रेमेडीजन हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, ऐसे बहुत सारे ग्रीन साइंसेज हो, इन सब को इस तरह से उपयोग करना ताकि हर विषय में बच्चा इनको अपने फील्ड में उपयोग करना सीखे। यानी भारत के बच्चों को उद्यमी बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, उनके विचारों में नवीनता लाना, उनको प्रश्न पूछने की क्षमता पैदा करना। बच्चे प्रश्न पूछें। आप लोग जानते हैं भारत का एक बहुत बड़ा उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में 5 वर्ष का बच्चा प्रश्न पूछता है अपने पिता से और वो प्रश्न पूछते पूछते जीवन और मृत्यु के गहन प्रश्नों के उत्तर यम से ले लेता है। यम नचिकेता की कहानी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। नचिकेता 5 वर्ष का राजा का बच्चा अपने पिता से पूछता है कि यज्ञ के बाद आप ये दान क्यों कर रहे हैं? और जब उसका पिता कहता है कि जो वस्तुएं प्यारी होती हैं यज्ञ के बाद उनको दान किया जाता है, तो वो कहता है मैं तो आपका बेटा हूं, मैं आपको प्यारा नहीं हूं, मुझे दान क्यों नहीं करते? ये जो स्वस्फूर्ति प्रश्न पूछने की क्षमता है ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में खत्म की जा रही है। बच्चे प्रश्न में भी पूछते हैं तो गढ़ के पूछते हैं, स्वस्फूर्ति नहीं पूछते। आपके अंदर जिज्ञासा का भाव नहीं। बच्चों को जिज्ञासु बनाना और बच्चों को अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को उपयोग में लाने वाला बनाना ताकि वो जीवन की चुनौतियों का समाधान अपने ज्ञान के आधार पर हो, उन चुनौतियों के लिए इधर उधर ना भागे, वो खड़े हो सके। आने वाली चुनौतियों के लिए जो जनरेशन जितनी सक्षम होगी शिक्षा उतनी क्वालिटी। ये तो पहला है कि व्यक्तिगत स्तर पर हमारी अपेक्षाएं, व्हाट आर द ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन।